तो मॉर्निंग बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और केंद्र सरकार में हमने सबसे पहले सरकार की परिभाषा को देखा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि राज्य का मूर्त संस्था है और उसे मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब देखिए, ये भी हमने देखा कि सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं भाई? सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से होते हैं तीन अंग? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, हमने व्यवस्थापिका को देख लिया था पिछले वीडियो में, हमने किसको पढ़ लिया था? व्यवस्थापिका को पढ़ लिया था। आज हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कार्यपालिका जो होती है वो किन किन व्यक्तियों से मिलकर के बनती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद महान्यायवादी आदि होते हैं। ठीक है भाई, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि होते हैं। इन सबसे मिलकर के केंद्र की कार्यपालिका बनती है, या हम कह सकते हैं केंद्रीय कार्यपालिका में ये व्यक्ति होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी होता है, इन सबसे मिलकर के केंद्रीय कार्यपालिका बनती है। अब देखिए, आपसे कोई पूछे कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो आप बताओगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर के केंद्रीय कार्यपालिका बनती है। अब देखो, हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ब्रिटेन की तरह, अर्थात भारत का राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी अंग होता है तो कार्यपालिका का भी अंग होता है, क्योंकि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति दोनों का व्यवस्थापिका का भी अंग होता है तो कार्यपालिका का भी अंग होता है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले
राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, संविधान में वर्णित है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान में वर्णित है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, और संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारतीय कार्यपालिका का जो प्रथम व्यक्ति अंग है वो आता है राष्ट्रपति, और भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है ये कि संविधान में वर्णित है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, संघ के अनुच्छेद 52 में, संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो ध्यान रहे, नॉट यहां लिख देता हूं मैं, नॉट अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, वे स्था करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 52 में होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्य पालिका शक्ति राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, उनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। ठीक है भाई, क्या कह दिया गया? संविधान में वर्णित है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद
52 में कहा गया है और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीत होंगी, इनका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? निर्वाचक मंडल करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए हो गया ये अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। किस कौन सी प्रणाली से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का। अब देखिए राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। वास्तविक प्रधान कौन होती है? औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। अब देखिए ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा
अच्छे से समझने के लिए आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जातक, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति, कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें नीत होंगी? राष्ट्रपति में नीत होंगी। उन शक्तियों का उपयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। ये कह दिया गया। 54 में कहा गया, क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होगा। कौन सी पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को कौन कौन मत देते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। किसको देखेंगे? निर्वाचक मंडल को। तो देखो, पहले आता है संसद, संसद के दोनों, संसद के दोनों सदनों, सदनों के निर्वाचित, निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित बात में मनोनीतों की नहीं कर रहा हूं, कौन वोट डालता है राष्ट्रपति को? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य किसको वोट डालते हैं? राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। नंबर दो, राज्य, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित, निर्वाचित राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य कौन कौन डालते हैं? राज्य विधानसभा, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। नंबर तीन, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं, सभाओं के निर्वाचित, निर्वा निर्वाचित सदस्य, सदस्य निर्वाचित सदस्य पहले नहीं था, लेकिन 70वां संविधान, 70वां, 70वां संविधान, 70वां संविधान संशोधन, संशोधन
1992 से 1992 से इन्हें भी अधिकार दे दिया है। ठीक है, ये हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कई बार ये जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। तो देखिए, निर्वाचक मंडल में होते हैं राज्य विधान मंडल के, सबसे पहला आता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है भाई। अगला आता है नंबर दो पे, आता है राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित होना बहुत जरूरी है, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये कब से शुरू कर दिया, 70वां संविधान संशोधन 1992 इन्हें भी अधिकार दे दिया गया। तो ये हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण में मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ठीक है भाई, अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, संवैधानिक प्रधान कौन होगा, तो आप बताओगे राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत होती है, अनुच्छेद 52 के तहत। अगला प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी। उन शक्तियों का उपयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, ये कहा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण में मत पद्धति से होगा एवं एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले बताओगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद आता है राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो कि 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत उनको भी यह अधिकार दे दिया गया। ठीक है भाई, तो ये हुआ क्या राष्ट्रपति के जो व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है वो सारे इस तरीके से होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के लिए
राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, देखो क्या योग्यताएं हैं इसको देखते हैं हम। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, योग्यताएं तो सबसे पहले जो आती है वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता आती है वह भारत का नागरिक हो, कहां का भारत का नागरिक हो। नंबर दो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब कहने का मतलब है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या लिखा मैंने यहां, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला आता है वह संसद सदस्य, वह संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगली जो आती है वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली जो आती है वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, ठीक है। ये होंगी उसकी योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होगी, वे भारत का नागरिक हो, वे क्या हो भारत का नागरिक हो, वे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वे संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता यानी लोकसभा सदस्य, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वे पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और अगली आती है वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ये सारी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, योग्यता पूछी जाती है, प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती है, तो आप बताइए, आप बताओगे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वे पागल और दिवालिया ना हो, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो यानी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, आप कई बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। और देखते रहिए पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को।